दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय श्री विजयलक्ष्मी सिक्स के बी रोड, जॉर्ज इंटरनेशनल फिटनेस स्टूडियो, आर के कंस्ट्रक्शन, सोहेल जीरोक्स एंड हेरिटेज सिरेमिक सैनिटेशन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया वेदर। चलिए शुरू करते हैं आज 12 नवंबर 2020 की तमाम अहम सुर्खियों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अब कोरोना का नामोनिशान कहीं नजर नहीं आ रहा है, और कर्नाटका में भी जो दिन ब दिन कोरोना के मामले घटते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं अवाम के लिए काफी काबिले तारीफ बात है। आज जो बिदर जिले में कुल केसेस दर्ज किए गए हैं उनकी तादाद बस 3 है, जबकि कुल जो पॉजिटिव केसेस अब तक के आए हैं उनकी तादाद बनी हुई है 6951 पर। जबकि राहत की बात एक ये भी है कि आज कुल 3 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं और एक्टिव केसेस की तादाद महज 37 पर बनी हुई है। और कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं जब ये एक्टिव केसेस की तादाद 37 से घट करके सिमट करके 0 पर आ जाएगी, और यकीनन उस दिन का इंतज़ार हम तमाम को बिल्कुल रहेगा बिना किसी वैक्सीन के अगर इसी तरह से कोरोना के मामलों में कमी नजर आती रही। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बसवा कल्याण के जो आने वाले बायपोल इलेक्शन हैं, एमएलए बी नारायण राव के वफात के बाद जो बायपोल इलेक्शन होने वाले थे जिनकी तारीख अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, उसको लेकर के काफ़ी बड़ा जो सियासी घमासान है वो अभी से देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ दलों से ताल्लुक वाले लोग टिकट की अभी से मांग करते नजर आ रहे हैं, और इसी के जिम्मन में कल 13 नवंबर को यानी कि कल जुमा को बसवा कल्याण में बी वाई यजेंद्र तशरीफ लाने वाले हैं। जी हाँ, इसकी घोषणा बसवा कल्याण के बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले मल्लिकार्जुन एस खोबा ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए दी है। तो कहीं ना कहीं कल बी वाई यजेंद्र, ये अगर कई लोगों को पता नहीं है तो बता दूं कि ये जो अभी फिलहाल कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येडियुरप्पा, उनके फर्जंद हैं, और इनके बारे में बसवा कल्याण में एक अफवाह ये उठाई जा रही है कि वो आने वाले बायपोल इलेक्शन बसवा कल्याण कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। मगर इस चीज़ की किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए पुख्तगी नहीं की गई है, इसीलिए अभी तक इसे सच नहीं माना जा सकता। मगर कल बी वाई यजेंद्र का बसवा कल्याण तशरीफ लाना कहीं ना कहीं बायपोल इलेक्शन को एक नया रुख दे सकता है। अब कल बी वाई अजेंद्र के आने पर ही कल क्या क्या होता है हम आपको लाइव अपडेट देने के लिए हमेशा रहेंगे। इसी के साथ आज के लिए अहम सुर्खियों में बस इतना ही। मगर आप ऐसी खबरें जानने के लिए फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज मास मीडिया बिदर को, और बने रहे हमारे चैनल मास मीडिया बिदर के साथ।